गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, हमने अभी तक सुप्रीम कोर्ट के कंपोजिशन और उसकी पावर्स के रिगार्डिंग डिस्कस किया था। मींस हमने सुप्रीम कोर्ट के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें हमने फर्स्ट लेक्चर में हमने सुप्रीम कोर्ट की कंपोजिशन के बारे में डिस्कस किया था और प्रीवियस लेक्चर में हमने सुप्रीम कोर्ट की पावर्स के रिगार्डिंग डिस्कस किया था कि सुप्रीम कोर्ट की पावर्स क्या क्या हैं, जिसमें हमने ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शंस पढ़े थे कि जिसमें कि डिस्प्यूट होता है उसके रिगार्डिंग सेंटर स्टेट के। इसके अलावा हमने अपेलेट ज्यूरिडिक्शन पढ़ा था कि जिसमें आप अपील कर सकते हैं हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील। इसके अलावा हमने एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शंस की जिसमें एडवाइस देता है वो। इसके अलावा हमने जुडिशियल रिव्यू के रिगार्डिंग पढ़ा था कि जुडिशियल रिव्यू के रिगार्डिंग मैंने बताया कि सरकार कोई भी कानून बनाती है और अगर वो कानून कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट हो तो सुप्रीम कोर्ट उस कानून को नल एंड वॉइड यानी कि उसको कैंसिल कर सकता है। ये जुडिशियल रिव्यू पावर्स थी। तो ये इन पावर्स के रिगार्डिंग हमने डिस्कस किया था। आज हम बात करेंगे सेकंड लेवल का जो कोर्ट होता है। सुप्रीम कोर्ट फर्स्ट लेवल का था, सेकंड लेवल पर जो कोर्ट आता है वो आते हैं हाई कोर्ट। तो आज हम जो डिस्कस करेंगे वो हाई कोर्ट के रिगार्डिंग डिस्कस करेंगे कि हाई कोर्ट का कंपोजिशन क्या है और उसकी क्या क्या पावर्स होती हैं। ओके, स्टेट हाई कोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन एंड ज्यूरिडिक्शन। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर एन इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम। एट द अपेक्स की टॉप पे सुप्रीम कोर्ट होता है, ठीक है, जिसके डिसीजन जो होते हैं पूरे देश में लागू होते हैं। और इसके बाद फिर हर स्टेट में एक हाई कोर्ट होता है जिसके रिगार्डिंग की एक स्टेट के रिगार्डिंग उसके पास अधिकार होते हैं। एक स्टेट के रिगार्डिंग वो अपने डिसीजंस को देता है। और इस समय हमारे यहाँ पर 24 हाई कोर्ट्स हैं। टोटल 24 हाई कोर्ट्स, इसमें पुराना दिखाया हुआ है, ठीक है, कि हर स्टेट में एक है, लेकिन कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पर कि दो स्टेट्स में एक हाई कोर्ट है। ओके, अब इसका कंपोजिशन कैसे होता है? देखो, इसकी कोई जो मेंबर्स की संख्या है, जो नंबर्स हैं वो जजेस की, वो फिक्स नहीं है। ए हाई कोर्ट कंसिस्ट ऑफ ए चीफ जस्टिस, कि एक तो चीफ जस्टिस होता है उसमें और अदर जजेस होते हैं जो कि टाइम टू टाइम प्रेसिडेंट जनरली उनका डिटरमाइन करता है कि कितने। देर इज़ नो फिक्स्ड फिगर, कि उनका कोई फिक्स फिगर नहीं कि इतने जजेस होंगे। देयर मेंबर्स वेरी फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, कि हर स्टेट में इनके अलग अलग मेंबर्स हो सकते हैं, अलग अलग नंबर्स हो सकते हैं। अच्छा, ठीक है। अब इसका अपॉइंटमेंट, कि प्रेसिडेंट जो होता है वही हाई कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करता है। देखिए, द जजेस ऑफ द हाई कोर्ट स्टेट हाई कोर्ट्स अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, कि प्रेसिडेंट इनको अपॉइंट करता है इन कंसल्टेशन विद, किससे कंसल्ट कर, CJI जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जज होता है उससे। इसके अलावा गवर्नर से, उस स्टेट का जो गवर्नर है उससे कंसल्ट करता है। और इसके अलावा उस स्टेट का जो पहले चीफ जस्टिस था उससे कंसर्न करने के बाद, उससे कंसल्ट करने के बाद ही उनको अपॉइंट करता है। इन केस ऑफ द अपॉइंटमेंट द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट, की अपॉइंटमेंट के उसमें जो हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस होता है, द प्रेसिडेंट शैल कंसल्ट द चीफ जस्टिस, कि उससे ही वो करता है उस स्टेट के और तभी उसको अपॉइंट करता है। अब क्वालिफिकेशन क्या है? क्वालिफिकेशन देखिए कि सिटीजन ऑफ इंडिया। इसके अलावा 5 साल तक उसने लोअर कोर्ट में, यानी कि जो लोअर लेवल के जो कोर्ट होते हैं उनमें, या तो एज ए जज के रूप में क्या हो, काम क्या हो, या किसी भी हाई कोर्ट में 10 साल तक एज एन एडवोकेट के रूप में काम किया हो, ठीक है, और प्रेसिडेंट की नज़रों में एक अच्छा डिसीजन देने वाला हो। ये बेसिक उसकी क्वालिफिकेशन है। बाकी इसके रिगार्डिंग जब आप जज बन रहे हो तो जो एजुकेशनल और वो आपको क्लियर करने के बाद ही होता है। ओके, तो बेसिक ये इसकी कुछ क्वालिफिकेशंस होती हैं। अब ओथ, कि जब भी वो प्रेसिडेंट बनता है तो उसे ओथ लेनी पड़ती है, शपथ लेनी पड़ती है कि भाई वो अकॉर्डिंग टू उसके काम करेगा, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम करेगा, ठीक है। अब सैलरीज और अलाउंसेस, कि चीफ जस्टिस जो होता है हाई कोर्ट का, जो चीफ जस्टिस होता है उसकी सैलरी 2.5 लाख है और जो अदर जजेस होते हैं, जैसे यहाँ पर 90,000 दिखाई हुई है उसकी तो 2.5 लाख हो चुकी है, और जिनकी 80,000 दिखाई है इनकी 2.25 लाख सैलरी होती है। इसके अलावा इन्हें और दूसरे अलाउंसेस मिलते हैं, ठीक है, कि इनको रहने के लिए घर वगैरह ये सारी चीज़ें उनको दी जाती है, ठीक है। अब इसका टेन्योर, कि टाइम पीरियड, जो इनका टाइम पीरियड होता है वो 62 ईयर्स होता है मैक्सिमम, कि हाई कोर्ट के जजेस जो हैं वो 62 ईयर्स तक रह सकते हैं। ही में रिज़ाइन, इससे पहले वो अपना रिज़ाइन दे सकता है। रिज़ाइन जो देना है वो प्रेसिडेंट को ही देना है, ठीक है, और हाई कोर्ट के जजेस को डिसमिस नहीं किया जा सकता, कि उन्हें रिमूव किया जा सकता है, लेकिन रिमूव करने के लिए हमने पहले ही पढ़ा था कि उनको
जो इम्पीचमेंट प्रोसेस है उसी के द्वारा उसे हटाया जा सकता है, अदरवाइज नहीं। और जो कि मैंने आप पहले बताया था कि बहुत ही एक हार्ड प्रोसेस होती है। अब ट्रांसफ़र ऑफ ए जज, कि जज का ट्रांसफ़र हो सकता है कि आज इस हरियाणा में स्टेट हाई कोर्ट में है, उसके बाद उसको कहीं दूसरी जगह ट्रांसफ़र किया जा सकता है, लेकिन ट्रांसफ़र के अकॉर्डिंग फिर उसकी सैलरीज वगैरह भी वो स्टेट के अकॉर्डिंग चलती है। द प्रेजिडेंट मे आफ्टर कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ट्रांसफ़र ए जज फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनदर, कि एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में उसे ट्रांसफ़र किया जा सकता है। एंड इन सच ए केस ऑफ ट्रांसफ़र, और इस तरह के ट्रांसफ़र के केस में, द जज सेल रिसीव इन एडिशनल टू हिज सेल, कि उसे एडिशनल बेनिफिट दिए जाते हैं, सैलरी वगैरह, उसका अलाउंसेस वगैरह, पार्लियामेंट जैसे कानून बनाया है उसके अकॉर्डिंग उसे बेनिफिट दिया जाता है। ठीक है, तो ये तो उनका अपॉइंटमेंट और रिमूवल के रिगार्डिंग था। अब आता है उनके फंक्शंस पावर्स, कि देखिए अब इसमें भी वही है कि ओरिजिनल में क्या है कि जो सिविल केसेस जो होते हैं उनके रिगार्डिंग हियरिंग्स करता है, जुडिशन की बेस डिस्प्यूट्स को सॉल्व करता है। दूसरा अपलाइट की अपील का कोर्ट है, सिविल और क्रिमिनल केसेस दोनों वहाँ पर अपील कर सकते हैं। देखिए द अपलाइट जुडिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट इज बोथ सिविल एंड क्रिमिनल, इट कम्स एज फर्स्ट और सेकेंड अपील, कि या तो ये सीधा हाई कोर्ट में आ सकता है या सेकेंड कैसे होगा कि पहले तो लोअर कोर्ट में गया, फिर लोअर कोर्ट से डिसीजन के बाद ये हाई कोर्ट में अपील की गई। अपील्स अराइज फ्रॉम डिसीजंस बाय डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, कि जो डिस्ट्रिक्ट जजेस होते हैं उनके द्वारा कोई डिसीजन दिया गया उसके रिगार्डिंग अपील कर सकते हैं, या वो खुद वो सर्टिफाई कर सकते हैं कि भाई ये हाई कोर्ट के लेवल का केस है। लाइकवाइज डिसीजंस कम ऑन मैटर्स ऑफ फैक्ट एज वेल एज लॉ, विच व्हेन ए सबॉर्डिनेट कोर्ट इंटरफेयर इन्फीरियर टू द हायर कोर्ट गिव्स ए डिसीजन ऑन द अपील फ्रॉम द इन्फीरियर कोर्ट, कि नीचे कोर्ट से ऊपर वाले में अपील कर सकते हो। इन सच केसेस सेकेंड अपील हाई कोर्ट में जाती है। द क्रिमिनल अपेलेट जुडिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट एक्सटेंड टू अपील फ्रॉम द डिसीजन ऑफ ए, कि सेशन जज के जो उसने डिसीजन दिया उसी के रिगार्डिंग वो डिस्कस होती है, फिर वो अपना डिसीजन चाहे तो चेंज कर सकता है। इसके बाद है पावर ऑफ सुपरिटेंडेंस, कि सुपरिटेंडेंस यानी कि जो लोअर कोर्ट्स होते हैं उनके ऊपर अपनी नज़र रखता है, कि देखता है कि भाई वो काम सही तरीके से कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 277 एवरी हाई कोर्ट एक्सटेंड द पावर्स ऑफ सुपरिटेंडेंस ओवर ऑल कोर्ट्स एंड ट्रिब्यूनल्स, कि जो भी लोअर कोर्ट्स होते हैं उनके ऊपर नज़र रखता है। ठीक है, एक्सेप्ट दोज डीलिंग्स वो आर्म्ड फोर्सेज ऑपरेटिंग होते हैं, इनसे थोड़ा सा बाहर होती है इनके एरिया से। कोर्ट ओवर सबॉर्डिनेट कंट्रोल ओवर सबॉर्डिनेट कोर्ट्स, सबॉर्डिनेट कोर्ट्स के ऊपर वो अपनी नज़र रखता है, उन पे कंट्रोल करता है, कि वो देखता है कि भाई ये जो केस है ये इसके लेवल का है या नहीं है, या कोई हो सकता है कि कई बार वो अपनी लोअर कोर्ट्स होते हैं अपनी लिमिट से बाहर जाकर काम कर रहे हैं तो उनको इससे ऐसा करने से रोकता है। अब है गार्जियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, कि फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। मैंने आपको पहले बताया था कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट यही दो कोर्ट्स हैं जिनके रिगार्डिंग में कि आप फंडामेंटल राइट्स के रिगार्डिंग अपील कर सकते हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। देखिए अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 226 द हाई कोर्ट इज एम्पावर्ड टू इशू रिट टू एनी पर्सन और अथॉरिटी इंक्लूडिंग द गवर्नमेंट इफ इट फील्स दैट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ एनी इंडिविजुअल आर बीइंग इन्फ्रिंज्ड अपॉन विद इन इट्स जुडिक्शन, कि अगर कोई भी स्टेट वगैरह ने वो रिट्स हमने जो पांच पढ़ी थी उन रिट्स को इशू कर सकता है, कि चाहे वो सरकार हो या कोई भी हो उसके रिगार्डिंग अगर कोई लोगों के जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनका उल्लंघन करता है। अब रिट्स इसमें वही दे रखी हैं, 5 रिट्स हैं। इसके बाद आता है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड जो भी डिसीजन देता है उन्हें अपने पास रिकॉर्ड करता है, प्रिंट होते हैं और प्रिंटिंग के रूप में उन्हें अपने पास रिकॉर्ड रखता है, ये हाई कोर्ट। अब है लोअर कोर्ट, लोअर लेवल पर जो कोर्ट होते हैं, देखिए द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज़ द एपेक्स कोर्ट, इट इज फॉलोड बाय हाई कोर्ट, और लोएस्ट लेवल पर जो होते हैं वो सबॉर्डिनेट कोर्ट्स या जिन्हें सेशन कोर्ट्स भी आप कह सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, जुडिशियल मजिस्ट्रेट, ये सारे मिलकर वो सबॉर्डिनेट कोर्ट्स में आते हैं। एज फार एज द अपॉइंटमेंट टू द लोअर कोर्ट्स आर कंसर्न द इंडियन जुडिशरी इज ए कैरियर सर्विस, कैंडिडेट्स फॉर द स्टेट जुडिशियल सर्विस कि इनके कम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं और उसके बाद 3 ईयर्स के एक्सपीरियंस के बाद वो जनरली उसके मेंबर बनते हैं बार काउंसिल के, और उसके बाद फिर उनको अपॉइंट किया जाता है। द सक्सेसफुल कैंडिडेट आर प्रोवाइड स्पेशल ट्रेनिंग, अपॉइंटमेंट से पहले उनको ट्रेनिंग दी जाती है। द लोअर कोर्ट आर देयरफॉर स्टाफ्ड विद कैरियर जजेस अलोन, कैरियर जजेस जो होती है स्टाफ उनको ही वो रखता है। दे डील विद सिविल और क्रिमिनल केसेस दोनों पर डील करते हैं लोकल ले उस पर, कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस, केस ऑफ पब्लिक लॉ,
एंड द पावर ऑफ इशू रिट्स फॉर वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, ये जनरली उसके अंडर नहीं आते। तो लोअर कोर्ट्स के पास जो होती है पावर्स जो होती हैं वो लिमिटेड होती है कि वो लोकल लेवल के केसेस को ही हैंडल करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये जो था ये तीनों कोर्ट्स के रिगार्डिंग, कि सुप्रीम कोर्ट के रिगार्डिंग हमने डिस्कस कर लिया, हाई कोर्ट के रिगार्डिंग डिस्कस कर लिया, और हमने लोअर कोर्ट के रिगार्डिंग डिस्कस किया। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।